लेसन सेवन ए एंड द, तीन वर्ड्स दिए ए एंड द, यूज करना सिखाएंगे। आपने यूकेजी में भी सीखा हुआ है किसके साथ लगता है एंड किस किस के साथ लगता है, बहुत इजी है। आज एक और नया वर्ड्स है तो द, ये भी सिखाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं एन, तो आप कहेंगे वॉवल्स से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन लगता है, और वॉवल्स के बाद क्या होता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके साथ ए यूज होता है। अब यहाँ कंप्यूटर लिखा है तो आप कहोगे एन कंप्यूटर नहीं आएगा, ए आएगा, अ कंप्यूटर, ये रोज है अ रोज, रेड से लिखा है अ, तो आप ध्यान से देखते जाइए टेबल के साथ क्या है अ, अ टेबल, अ फिश, अ मंकी, अ बैलून, ये आपको पिक्चर्स दी गई थी और साथ में यूज करना सिखाया था। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, देखो अ ट्री, अ विंडो, अ हॉस्पिटल, अ वूमेन, अ बोटल, अ मंकी, अ मैंगो, अ शिप, अ बफेलो, अ रिवर, अ ईयर, अ माउंटेन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में एन यूज करना सिखाया है। वॉवल्स वाले वर्ड्स ई वॉवल है, आई वॉवल है, ओ वॉवल है, यू वॉवल है, ठीक है ना। तो आपने वॉवल वाले वर्ड्स देखने हैं, तो एग है एन एग, एन इग्लू, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन एग्स, एन ऑरेंज, ये वर्ड्स हैं, तो इनके साथ आपने एन लगाया है। तो ये भी नीचे लिखे हुए वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिखेंगे पूरे ये वर्ड्स एन एंड, यहाँ तो पूरी ऐसे ही लाइन में लिख दिया, आप ऐसे सीधी खड़ी हुई लाइन में लिखेंगे नंबरिंग करके, ठीक है। अब द, द जो वर्ड्स होते हैं नेचुरल थिंग्स होती हैं, ये मून है जैसे, सन है, अर्थ है, जंगल है, टेंपल्स हैं, जो स्पेसिफिक नेम होते हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, तो ये वर्ड्स इनके साथ क्या लगता है द, तो द मून, द सन, और जो वर्ड्स होते हैं इनके जो स्टार्ट होते हैं ना कैपिटल वर्ड्स से लिखा जाता है इन्हें। मून को हम एम स्मॉल में नहीं लिख सकते हमेशा, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए या सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के लास्ट में आए, मून। द सन, द अर्थ, द जंगल स्टोरीज, द लोटस टेम्पल, द रामायणा, ऐसे गंगा रिवर जो है, गंगा, रेड सी, हिमालय, ताजमहल, अर्थ, ये सारे दिए हैं। ये वाले भी वर्ड्स आपने नोटबुक में लिखने हैं, जो येलो लाइन में दिए गए हैं आपने वो वर्ड्स लिखने हैं आपने सीधे करके। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, ठीक है, ये पिक्चर भी दी हुई है, वर्ड्स भी लिखा है, एंड अब आप अपने आप भरेंगे, ठीक है, अ आएगा या एन आएगा, एन एंट, अ गोट, एन अम्ब्रेला, अ बुक, एन आउल, एन ऑरेंज, यहाँ पर ए और एन भरा आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस बाय ड्राइंग लाइंस एज शॉन बिलो, जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है टेबल बनी हुई है, ये समझो लाइन डालकर यहाँ पर, इसको टेबल कहते हैं, आप वो टेबल दूसरी मत समझना, ठीक है। फर्स्ट रो में दिस इज लिखा है, ठीक है, सेकंड रो में टू वर्ड्स दिए हुए ए और एन, ठीक है, और थर्ड लाइन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपके 9 सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस को हम ए वाले बनाएंगे, दिस इज अ, अम्ब्रेला के साथ लग सकता है, नहीं, आई के साथ लग सकता है, नहीं, क्योंकि वो ओवल से स्टार्ट है, ग्लास के साथ लगेगा, दिस इज अ ग्लास, यहाँ ऐसे ऐसे लाइन गई टेढ़ी, तो आपने इसको सेंटेंस में लिखना है सीधा, कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे लिखना है सेंटेंस में, ठीक है,
ऊपर क्वेश्चन आप लिख लेंगे, फिर पहला सेंटेंस लिखेंगे दिस इज अ ग्लास, अब नेक्स्ट सेंटेंस अ वाला फिर बनाएंगे दिस इज अ बनाना, तो ये दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, दिस इज अ एरोप्लेन के साथ लगेगा अ नहीं, आइसक्रीम के साथ भी नहीं लगेगा, तो ये डक वाला बनेगा दिस इज अ डक, तो आप यहां दूसरा सेंटेंस बनाएंगे दिस इज अ बनाना वाला भी, दिस इज अ बनाना, फिर तीसरा सेंटेंस बनाएंगे दिस इज अ डक, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा दिस इज अ कार, बाकी वर्ड्स रह गए वॉवल्स वाले, कॉन्सनेंट वाले हमने कर लिए जिसके साथ ए आना था, ए वाले, अब एन वाले बनाएंगे दिस इज एन अम्ब्रेला, अब ए नहीं लिखेंगे आप किसी भी सेंटेंस के साथ, ए वाले हमने बना लिए, अब सबके साथ क्या आएगा एन, दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है, मैंने एन वाला एक बनाकर दिखा दिया, फिर दिस इज एन आई, दिस इज एन एरोप्लेन, दिस इज एन आइसक्रीम, दिस इज एन ऑरेंज, फाइव सेंटेंसेस ये बन जाएंगे, तो आपके टोटल नाइन सेंटेंसेस, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये तो मम्मी पापा से सीखना दोबारा, नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप पे आप दोबारा वीडियो देखिए दो बार तीन बार चार बार, समझ में आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है क्या यूज करके ए एन और द लगाना है, द मैंने बताया था ना किसके साथ लगेगा, उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, कितना आसान है तरीका बता दिया, अब बी कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, आई वॉवल है, एस कैपिटल आ गया सन, सन में तो आपने देखा भी था यहाँ पर द लगा था, ठीक है, सन, अर्थ, अर्थ ई कैपिटल है, जो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा ना वर्ड, स्काई, ताजमहल, ठीक है, इनके साथ द लगेगा, और बाकी आपने खुद देखना है कहां पर ए आना है कहां पर एन आना है, कंसोनेंट्स के साथ ए लगाना, वोवल्स के साथ एन लगाना, और जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हैं उनके साथ आपने द लगाना है, तो ये फिलअप्स पूरे करेंगे एक्सरसाइज में, आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी, ये आपको जाएगा, आप अपनी नोटबुक में करना, ठीक है बच्चों, ओके बाय।